हेलो बच्चों तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास टेंथ में हैं और जो मैथ्स को लेके बहुत टेंशन में हैं कि यार मैथ्स बोर्ड एग्जाम में क्या होने वाला है कैसा होगा छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इस वीडियो में देखो किस तरीके से हम लोग इस छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करके बहुत टिपिकल क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं सो दिस टॉपिक इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग क्यूबिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास टेंथ मैथ्स नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ ए प्लस बी होल क्यूब हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि ए प्लस बी होल क्यूब इज़ वॉट नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी आंसर देखना ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है राइट right? एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज डिफरेंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सो ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इसी जगह अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपैंड करें ए प्लस बी होल क्यूब एक डिफरेंट है एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक डिफरेंट आइडेंटिटी है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम लिखेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर माइनस ए बी राइट डिफरेंस है फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी बच्चों दैट वॉज ए प्लस बी होल क्यूब जो दूसरी आइडेंटिटी है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी जगह अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें दैट इज नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी होल क्यूब यहां पे नेगेटिव है नेगेटिव साइन है राइट right? सो so, हम ए माइनस बी होल क्यूब लिखेंगे दैट विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी वेरी सिंपल ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है इसी जगह अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला एक्सपैंड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ध्यान से देखना बच्चों अगर फुल क्यूब आइडेंटिटी है दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब तो यहां पे सभी जगह प्लस है ठीक है अगर ए माइनस बी होल क्यूब है तो यहां पे सभी जगह नेगेटिव है ठीक है अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहां पर ए प्लस बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा दूसरी नीचे जो आइडेंटिटी लिखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें भी यहां पर पॉजिटिव रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिफरेंस कहां है ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है ध्यान से देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहे हैं तो दैट विल बीक टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिफरेंस क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहां पर ए प्लस बी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पर ए माइनस बी है ध्यान से देखना क्लियर दिख रहा है क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यहाँ पे ए प्लस बी है ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है यहां पर ए माइनस बी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए स्क्वायर बी स्क्र आएगा ब्रैकेट में यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा सिर्फ यहां पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इधर नेगेटिव माइनस ए बी आएगा यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां पर प्लस ए बी आएगा आई सजेस्ट वरी वन ऑफ यू इन आइडेंटिटीज को एटलीस्ट फोर फोर फाइव फाइव टाइम्स आप लोग लिखो राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स दो तीन बार देख के लिखो दो तीन बार बिना देखे लिखो ये आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट याद हो जाएंगी आई आई कैन कैन बेट ऑन दिस कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हो चाहे कोडर का हो चाहे अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो कुछ भी हो एनी टॉपिक ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होने वाला है हाँ बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस तरीके के वीडियोस देखने का इंटरेस्ट है आप लोग को अच्छा लग रहा है छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी बनाना तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं इट्स योर जेपीडी थैंक यू